ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूं विशी और आप देख रहे हैं बाउंटी इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कल यानी कि 18 फेब को कौन से स्टॉक हमारे इंट्राडे वॉच लिस्ट में होंगे, कौन से स्टॉक बाइंग के लिए होंगे, कौन से स्टॉक सेलिंग के लिए होंगे और लॉजिक के साथ देखेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो जो हमारा पहला स्टॉक है वो है पीडीलाइट। अभी पीडीलाइट मैंने क्यों लिया, तो आप देख रहे हो कि वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर दो शूटिंग स्टार साथ में बने हुए हैं, लेकिन इसमें इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, सो आप इसमें कंफर्मेशन नहीं लेके जा सकते कि ये शूटिंग स्टार वर्क करेगा। लेकिन जब आप इसे वन आवर्स पे शिफ्ट करते हो तब आपको इसमें देखने को मिल रहा है क्या कि एक रेंज जैसा बन चुका है। ऊपर की साइड ये लाइन आपको रेजिस्टेंस की तरह वर्क करी, नीचे की साइड ये सपोर्ट की तरह वर्क करी। तो अभी इसमें हमें करना क्या है, तो नॉर्मल सी बात है, ये जो रेंज जैसा बना है अभी इसको ब्रेक होने दो। एक साइड कोई भी एक साइड अगर ये ब्रेक करके ऊपर नीचे चला जाता है तब आप अपनी इसमें बाइंग या सेलिंग पोजीशन बना सकते हो। मैं मोस्टली सेलिंग के लिए प्रिफर करूंगा, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो पास में ही है। अगर सेलिंग कल एक बड़ी सी रेड कैंडल इसके नीचे आ गई तभी हम सेलिंग के लिए जाएंगे, और बाइंग के लिए तो बाइंग के लिए ये एक लाइन के ऊपर जाना चाहिए। इसको कल या परसों जब भी ब्रेक करेगा, शायद अगर ये ऊपर जा रहा है तो शायद इसको परसों ब्रेक करे, तो इसके ऊपर जाने के बाद ही हम बाइंग प्रिफर करेंगे। तो पीडीलाइट हमारे दोनों के लिए बाइंग एंड सेलिंग, क्योंकि नॉर्मली आपको इसमें एक रेंज देखने को मिली है और आपको एक क्या है कि वन डे के ऊपर शूटिंग स्टार देखने को मिला, तो हो सकता है कल ये शायद नीचे भी जाए और ये ऊपर भी चला जाए, तो आपको इसमें अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रखना पड़ेगा। जिस साइड इसमें ब्रेकआउट आपको देखने को मिलता है उस साइड आप अपनी पोजीशन बना सकते हो, लेकिन प्रॉपर ब्रेकआउट होना चाहिए। इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो कौन सा है वो देख ले। इसके बाद का स्टॉक है वो है जुबिलेंट फूड। तो इसमें आप देख रहे हो कि वन आवर्स के चार्ट के ऊपर नीचे की ओर से दो बार ये सपोर्ट लेके ऊपर निकला, ऊपर की साइड से दो बार रेजिस्टेंस लेके ये नीचे आया, तो इसने एक रेक्टेंगल लाइक चैनल बना दिया। इसमें से जब ये बाहर निकलते हैं शायद ये ऊपर भी चला जाए, शायद ये नीचे भी चला जाए, आपको इसमें अपनी वॉच लिस्ट में रखना पड़ेगा। अगर ये किसी भी एक साइड प्रॉपर ब्रेकआउट दे देता है तब आप इसमें क्या है कि बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। मेरा मोस्ट फेवरेबल है कि ये शायद आपको नीचे की ओर ब्रेकआउट दे सकता है, लेकिन लाइव चार्ट में जब देखोगे तब बेटर आइडिया आएगा कि किस साइड ये ब्रेकआउट देने वाला है। तो जब भी इसमें आपको प्रॉपर ब्रेकआउट मिल जाए बाद में अपनी पोजीशन बना सकते हो। ऐसा नहीं होता ये कल ही प्रॉपर ब्रेकआउट दे दे, आपको वेट करना पड़ेगा। प्रॉपर ब्रेकआउट ये कल भी दे सकता है, परसों भी दे सकता है, क्योंकि ये चार्ट पैटर्न है। ऐसा कोई नहीं है कि आज जो हम लेके जा रहे हैं वो कल या प्रॉपर ब्रेकआउट देगा ही, समझ गए। तो आपको इसको लेके जाने, अगर देता है कल तो कल यूज करना है, अगर परसों देता है तो परसों यूज करना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको एक वॉच लिस्ट मिल रही है तो उस पे रखो, अगर ये कल नहीं देता तो परसों ये शायद दे दे, समझ गए, क्योंकि इस रेंज से इसको बाहर निकलना ही पड़ेगा कभी ना कभी। तो जुबिलेंट फूड हमारा सेकंड स्टॉक था जो नॉर्मल रेक्टेंगल बना है, इसीलिए मैं इसको लेके जा रहा हूँ। उसके बाद का स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट। आगे भी मैंने इसको डिस्कस किया था लेकिन अभी ये रेंज से बाहर नहीं आया तो फिर से मैं इसको ऐड करूंगा। ये भी एक क्या है कि रेक्टेंगल के बीच में फंसा हुआ, आप नीचे देख रहे हो सपोर्ट मिल रहा है, ऊपर से रेजिस्टेंस मिल रहा है, एक नॉर्मल रेंज में फंसा हुआ है। अगर ये नॉर्मल रेंज से बाहर निकलता है तब आप इसमें अपनी बाइंग या सेलिंग पोजीशन बना सकते हो। मेरे को इसमें पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये शायद बाइंग की साइड आपको क्या है कि ब्रेकआउट दे सकता है, लेकिन आप अपनी एनालिसिस कीजिए। अगर ये कल नीचे की साइड भी ब्रेकआउट दे देता है तब आप इसमें शॉर्ट में जा सकते हो, लेकिन क्या है कि जो भी होगा वो लाइव में होगा। मेरा एक डिसीजन है ये बाय साइड ब्रेकआउट दे सकता है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा देगा ही, समझ गए। अगर मेरे को इसमें शॉर्ट का मौका मिलता है तो मैं शॉर्ट भी करूंगा। एक ये मेरा व्यू है कि मेरे को इसमें बाइंग ज्यादा अच्छी लग रही है, सो आप भी इसको लेके जा सकते हो, लेकिन कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडाइसिस देखने से पहले अपनी एनालिसिस कीजिए, बाद में कुछ डिसीजन लीजिए। तो ये हमारा अल्ट्राटेक सीमेंट था, इसको भी मैं कल लेके जा रहा हूँ। अगर मेरे को कोई भी एक साइड अपॉर्चुनिटी मिली इसमें तब भी मैं इसमें बाय या सेल करूंगा। नॉर्मली एक रेक्टेंगल बना है तो उस रेक्टेंगल को हम क्या है कि ब्रेकआउट होने पे ही एंट्री लेंगे, प्रॉपर ब्रेकआउट जरूरी है। बाद में हम देखते हैं स्कॉट। स्कॉट क्यों हम इसको लेके जा रहा हूँ, तो स्कॉट को मैं इसीलिए लेके जा रहा हूँ, तो इसमें आपको एक राइजिंग चैनल जैसी दिख रही है। आप देखोगे क्या है कि इसमें ऊपर गया नीचे आया, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, आज भी है क्या कि नीचे की साइड चला गया फिर से ऊपर आ गया।
तो ये क्या है कि नॉर्मल रेंज में फंसा हुआ है, ये भी एक राइजिंग लाइन में फंसा हुआ है, तो आप इसको मोस्टली हो सके तो नीचे की साइड ब्रेकआउट का वेट कीजिए, क्योंकि मैं भी इसको नीचे की साइड लेके जा रहा हूँ, लेकिन आपको इसमें अगर अपसाइड ब्रेकआउट मिलता है तब भी आप इसे लेके जा सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली इसको नीचे की साइड ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूँ। अगर ये मेरे को कल या परसों किसी भी दिन प्रॉपर नीचे की साइड ब्रेकआउट दे दिया तब हम इसमें अपनी सेलिंग पोजीशन बनाएंगे। तो इस कोड को लेके जाओ, राइजिंग चैनल बनी है, मोस्टली हम नीचे की साइड इसमें प्रीफर करें कि नीचे की साइड ये ब्रेकआउट दे सकता है, देखते हैं अभी क्या होता है कल या परसों इसमें। तो इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो शायद कल ही ब्रेकआउट दे दे, वो है पीएल मतलब पीरामल, क्योंकि आप देख रहे हो बहुत छोटी रेंज में आ चुका है, नॉर्मल एनआर 7 कैंडल भी बन चुके हैं, तो हो सकता है इसमें आपको कल ही ब्रेकआउट देखने को मिल जाए। लेकिन कोई भी ब्रेकआउट लेने से पहले आप अपनी एनालिसिस कीजिए, अगर आपको प्रॉपर ब्रेकआउट पे एंट्री लेना आता है तब भी आप इसमें ट्रेड ले सकते हो, नहीं तो वॉच कीजिए। प्रॉपर ब्रेकआउट किसे बोलते हैं, किसे इस पे वर्क करना है, उसको थोड़ा ध्यान से समझिए, देखिए, बाद में ही आपको आइडिया लगेगा। तो पीएल आप इसको कल लेके जा सकते हो, ये भी एक नॉर्मल रेंज में फंसा हुआ है। अगर आपको इसमें बाइंग या सेलिंग किसी भी एक साइड, अगर मार्केट जिस साइड हो उस साइड ब्रेकआउट करता है आगे वाले स्टॉक में, इस स्टॉक में, तो बेटर रहेगा। तो आप इसको सबको लेके जा सकते हो, पीएल भी नॉर्मल एक रेंज में फंसा हुआ है और एनआर 7 कैंडल भी बनाई है, तो हो सकता है कल ही आपको ये क्या है कि ब्रेकआउट देख के ऊपर या नीचे चला जाए। तो ये थे हमारे सब स्टॉक, इसमें से हमने पहले देखा पीडी लाइट, बाद में देखा जुबिलेंट फूड, अल्ट्राटेक, स्पॉट एंड पील, तो सब में नॉर्मली रेंज बनी हुई है। अगर रेंज में आप क्या है कि ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हो तो आपको एक बड़ा सा बेनिफिट हो सकता है, लेकिन जो आगे बोल रहा हूँ, अब भी बोल रहा हूँ, कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडाइसिस देखते हो, किसी को एनालिसिस को फॉलो करते हो, तो पहले उस पर अपनी एनालिसिस कीजिए, बाद में ही कुछ डिसीजन लीजिए। अगर आपको कुछ आइडिया लग रहा है तब भी आप कुछ डिसीजन ले सकते हो। तो दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा वीडियो कल के इंट्राडे वॉच लिस्ट के ऊपर। अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेकर आएंगे। सो प्लीज यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।